ये ओप्पो का मोबाइल फ़ोन है। तो ये ओप्पो का मोबाइल फ़ोन आया है, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर FRP लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? FRP लॉक। FRP लॉक लगा हो या पासवर्ड लॉक लगा हो या पैटर्न लॉक लगा हो, कोई भी लॉक लगा हो, और ये मोबाइल फ़ोन हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है, तो इसको हम लोग लॉक तोड़ेंगे, पूरा फ़ोन को फ्रेश करेंगे, पूरा मोबाइल फ़ोन को ठीक करेंगे। ऐसे मोबाइल फ़ोन को लॉक तोड़ने का मार्केट में जो खर्चा लिया जाता है 250-300-500 रुपये तक का एक्सपेंस लिया जाता है। अब रही बात करने के तरीके के कि हम लोग सीखेंगे इसको किया कैसे जाएगा, इसका करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जब ये मॉडल हमारे पास आया तो इसमें लिखा है CPH 2293। क्या लिखा हुआ है? CPH 2293। तो हम लोगों को सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनिमाइज करने के बाद गूगल खोलेंगे, गूगल में सबसे पहली बात ये देखना पड़ेगा इसके अंदर CPU कौन सा लगा है, क्योंकि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, अगर उस मोबाइल फ़ोन में लॉक खोलना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो CPU के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको CPU के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आपको रिपेयरिंग करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, मतलब आप उसका लॉक नहीं खोल सकते, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, ये मॉडल कौन सा है? CPH कितना है? 2293। आपने CPH 2293 डाला, आगे डाला GSM अरीना। क्या डाला? पहले नेट कनेक्ट कर देंगे अपने सिस्टम में। जैसे CPH 2293 को आप GSM अरीना पर सर्च करेंगे तो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। ये कौन सा? ओप्पो रेवन 5G मोबाइल फ़ोन है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर जाकर के देख लेंगे कि इसके अंदर CPU कौन सा लगा है, चिपसेट कौन सा लगा है, ताकि अगर आपको CPU पता चल जाएगा तो इसके माध्यम से आपको करने का तरीका भी आपको क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसके अंदर CPU कौन सा लगा? MediaTek का डेंसिटी लगा हुआ है। कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है? MediaTek का डेंसिटी 1200 मैक्स, मतलब नया प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इसको लॉक खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, हम अपने मोबाइल फ़ोन को क्या करेंगे, बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये देखिए, इसमें ये FRP लॉक लगा है। क्या लॉक लग गया है? FRP लॉक लग गया है। आप इसको आगे जाएंगे, कई बार ऐसा होता है, इसको करके देख लेते हैं, हो सकता है मोबाइल फ़ोन में FRP लॉक ना भी लगा हो। वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, जैसे आप वाईफाई से सिस्टम से कनेक्ट करेंगे आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आगे बढ़ेंगे, ये चेकिंग अपडेट्स चेक कर रहा है। ये देखिए, इसमें स्किप का ऑप्शन आ गया। किसका ऑप्शन आ गया? मतलब इसमें FRP ऐसे ही हट गया।
हमने मोबाइल फोन को जनरली मोबाइल फोन को रीसेट किया, और रीसेट करने के बाद कैसे रीसेट किया उसको, हार्ड रीसेट, मतलब जो वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा करके मैंने रीसेट करने का तरीका बताया उससे मोबाइल फ़ोन को रीसेट किया, और रीसेट करने के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन का क्या हो गया है, लॉक खुल गया है। ठीक, अब लॉक खुलने के बाद देखिए मोबाइल फ़ोन हमारा फर्स्ट क्लास चलने लगा है, चलने लगा कि नहीं चलने लगा। ठीक, अब मैं तुमको उनको भी मिलाता हूँ जो ऐसे लोग हैं जो हमारे पास सुबह सुबह मॉर्निंग में मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए थे। आप लोग आइए जी, मोबाइल फोन आपका ही है, कैसे लॉक लगा था इसमें? सर लगा दिया सर, भूल गए थे उसके बाद। भूल गए? कहाँ से रहने वाले हो? सर मैं उन्नाव का हूँ। उन्नाव से? यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? सर यहाँ हम आए थे घूमने के लिए। यहाँ पर ये लोग घूमने के लिए आए थे, क्योंकि हम एक बात को आपको हर एक वीडियो में कहते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है ये सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है, 8 बजे से क्लासेस चालू हो जाती हैं। जब 8 बजे से क्लासेस चालू हो जाती हैं तो मार्केट जो खुलने का समय होता है वो कितने बजे का होता है? 12 बजे का, 11 बजे का। तो इससे इस टाइम पे तो कोई मोबाइल फ़ोन को अगर 500 रुपये में छोड़ो 1000 रुपये दोगे तब भी निकल सकता। क्यों निकल सकता? क्योंकि जब दुकान ही नहीं खुला तो करेगा कौन, कुत्ते बिल्ली तो करेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या है कि हमारा ये स्टेट होता है 8 बजे खुल जाता है। तो जो भी लोग ऐसे होते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराने के लिए आते हैं, ठीक कराने के लिए आते हैं, तो ट्रेनिंग स्टेट में आ जाते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करा देते हैं। कितना मोबाइल फ़ोन का खर्चा बताया गया था तुमको? 250 रुपये। 250 रुपये इनको मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने का खर्चा बताया गया था कि 250 रुपये में मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाएगा और उसको रिपेयर करने का पैसा। चलिए ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन रिपेयर हो गया है और आपका फ़ोन फर्स्ट क्लास ठीक हो गया। ठीक है, बाकी जो लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे लोग यूट्यूब में जुड़े हुए हैं जो वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मेरा मोबाइल काफ़ी दिन से बंद था। कितने दिन से बंद था? सर काफ़ी दिन से बंद था, मतलब 10-15 दिन हो गया है। 10-15 दिन हो गया इनका मोबाइल फ़ोन बंद था, और आपने अपने लोकल में इसको ठीक कराया था? यस सर, लोकल में कराया था, नहीं हो पाया था। लोकल में इन्होंने मोबाइल फ़ोन का लॉक खुलवाया था लेकिन नहीं खोल पाए थे। क्यों नहीं खोल पाए थे? क्यों इसलिए नहीं खोल पाए थे क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं किया था, जबकि इसका तरीका आसान है। हमने आपको जो पहले प्राइमरी तरीका बताया है, कौन सा तरीका बताया? प्राइमरी तरीका, कि सिर्फ वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा करके ही मोबाइल फ़ोन को लॉक खोल सकते हैं, तो उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन का लॉक खुल गया। ठीक है, ठीक है, आप जाइए और आपका मोबाइल फ़ोन लॉक खुल गया है, और आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज करिए, आपका फर्स्ट क्लास मोबाइल फ़ोन चलेगा। ठीक है, ठीक है। Yeah.